प्रथमतः फलंदाजी करतो तो संघ शिवाजी स्पोर्ट्स चिंचणी आणि तसेच त्यांची मेजबानी करत आहे तो संघ मोर्या स्पोर्ट्स सांगली. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा असतील. आमचे दोन ऑफिशियल पंच देखील सज्ज आहेत, संजय मल्होत्रा सर आणि तसेच अजय छेत्रे सर. गोलंदाज गोलंदाज मार्गवरती सज्ज होते. सुशील पहिला चेंडू घेऊन, यावेळेस पहिला चेंडू अतिशय वेगवान तेज तरार चेंडू आहे. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडूची सांगता. सूरज आतापर्यंत आपण बघितलं तर या टुर्नामेंट मध्ये सर्वात दोन सक्षम टीम आहेत. दोन्ही आमने सामने संघ आहेत, अतिशय समान ताकदीचे संघ आहेत, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये. सुशील सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. यावेळी जे केलं उडवण्याचा प्रयत्न होता, टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी प्राप्त होतोय. अतिशय वेगवान दोन लगातार चेंडू हाताळले जातात सुशीलच्या माध्यमातून. हात खोलण्याची कुठली संधी दिली जात नाहीये. अतुल पाठक आणि तसेच त्याच्या समोर दुसरा फलंदाज आहे तो कृष्णा पवार जाधव. कृष्णा जाधव यावेळेस जे केल ऑफस्टंपच्या बाहेर लाईन आणि लेंथ ठेवली जाते. अप्रतिम सुरेख गोलंदाजी, आतापर्यंत कुठले हात खोलण्याची संधी दिली जात नाहीये. चार षटकांचा सामना आहे तर पहिल्या षटकापासून आक्रमण करणं गरजेचं आहे. आक्रमण आतापर्यंत गोलंदाजांनी केलंय, ते पण फलंदाजांवरती शांत ठेवलं जात आहे. सुशील चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत, लगातार तीन निर्धाव चेंडू. यावेळी चौथा चेंडू पाहिलं निहळलं आणि पंचांवरती सोपवलं जाते. वाईडचा इशारा आहे, अवंतर धावसंख्येमध्ये भर पाडली जाईल. वैयक्तिक आणखी अजून खातं खोललं जात नाहीये. अतिरिक्त धावसंख्येने संघाचं खातं खोललं जात आहे. चेंडू क्रमांक तीनचा खेळ संपलाय. धावा धावफलकावरती आहेत त्या एक, ती पण एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये आली आहे. तसेच शिवाजी स्पोर्ट्स चिंचणी हा संघ प्रथमतः फलंदाजी करतोय. तसेच मोर्या स्पोर्ट्स सांगली क्षेत्ररक्षण करतोय. सुशील यावेळी देखील चेंडूला उडवलंय, पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव कंप्लीट होते आणि तसेच एका धावेने संतुष्ट व्हावं लागेल. स्ट्राईक रोटेट होते, तसेच कृष्णा जाधव याच्याकडे स्ट्राईक असेल. बराच काळ नॉन स्ट्राईक एंडवरती होता, गेले चार चेंडू नॉन स्ट्राईक एंडवरती फक्त उभा राहून मजा बघत होता. कारण की आता त्याला समजणार आहे सुशील कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय, कारण की पंचांच्या साईडला परफेक्ट उभा होता तो कृष्णा. आणि आता समजेल कुठल्या लाईन आणि लेंथवरती गोलंदाजी होती, त्याच कारणास्तव मिडल स्टंपवरती येऊन उभा राहिलाय कृष्णा जाधव. त्याला माहिती की सुशील आतापर्यंत चार चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर हाताळलेत. यावेळी जे केलं स्ट्रेट रनच्या माध्यमातून चेंडू खेळून काढलं. एक धाव तर सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल, डेडिकेट करण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव सहज सोप्या रूपाने धाव फलकावरती अर्जित केली जाईल, धाव फलक वाढेल, जाऊन पोहोचेल ते तीन चाकड्यावरती. आत्तापर्यंत सेन्सिबल क्रिकेट खेळला जात आहे, ताकद नव्हे तर शक्तीपेक्षा युक्ती परी असं श्रेष्ठ असं म्हटलं जात आहे. दोन्ही खेळाडू आत्तापर्यंत मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करत नाही आहेत, कारण की सुशील आत्तापर्यंत हात खोलण्याची संधी दिली जात नाही आहे. चेंडू क्रमांक पाचचा खेळ संपलाय. सहावा प्रगतीपथावरती आहे. यावेळी देखील ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू होता, बॅटची एज घेतली, गेले रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होऊन शॉर्ट थर्ड बॅनपर्यंत पोहोचला. षटक क्रमांक एकचा खेळ संपलाय. डाव फलक चारच्या आकड्यावरती. यस हबीबी की जो डिमांड है, जो कि हिंदी में कॉमेंट्री वो सुनना चाहते हैं तो हबीबी आपके लिए. अभी तक देखा जाए तो पहले ओवर में कुल मिलाकर रन खर्च किए यहाँ पर चार. बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सुशील की. सुशील ने यहाँ पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था. और दूसरी तरफ देखा जाए तो अतुल, जिन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उनको आज घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई थी. और जो कि उनके साथ में थे कृष्णा जाधव, उन्होंने सिर्फ दो गेंदें फेस की और दो रन उनके बल्ले से आए. अभी तक गेंदबाज उनके ऊपर भारी नहीं है, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं. गेंदबाज तैयार होते हुए राहुल, इस बार गेंद को उड़ाया, हेलीकॉप्टर, पीछे फील्डर मौजूद है और यहां पर कैच छूटता हुआ, दिल टूटता हुआ. दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आपका ब्रेकअप होता है ना, उससे ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जब कैच छूटता मैदान के बीच में उससे भी ज्यादा दुख होता है, ब्रेकअप से भी ज्यादा.
ये उसका यहाँ पर जीता जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हो। और शायद YouTube लाइव पर ये मैच देख रहे हैं आप, शायद यहाँ से गलती की गुंजाइश नहीं है, ये जो कैच छोड़ा या फिर आने वाला वक्त बताएगा मैच छोड़ा है। बल्लेबाज को यहाँ पर जीवन दान, बल्लेबाज की तो यहाँ पर अभी तक बल्ले बल्ले है। गेंदबाज राहुल फिर से तैयार होते हुए, इस बार स्ट्राइक पर कृष्णा, ये अच्छी गेंद है, ब्लॉक हॉल की डिलीवरी थी, खूबसूरत गेंदबाजी, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। भले कृष्णा की तारीफ की थी लेकिन कृष्णा को रास नहीं आई, कृष्णा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पहले ओवर में, लेकिन अभी दूसरे ओवर में उनको मौका मिला। पहली गेंद बिंदी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे यहाँ पर सुशील ने, जिस रिदम से गेंदबाजी की थी वही रिदम पकड़कर राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं। ये टेस्ट क्रिकेट वाला शॉट था, बैक फुट पर जाकर हल्के साथ से जो गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदे फेंक कर हो चुके अभी तक तीन और कुल मिलाकर रन खर्च के यहाँ पर छः। अगर आपको सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचना है तो आपको फाइट करनी है तो कम से कम 40 से 45 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन 45 रन भी यहाँ से मेरे को बहुत दूर नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ से जितना कोल्हापुर दूर है उतना ही मेरे को डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर आपको 45-50 बनाने होंगे तो बिग ब्लास्ट करने होंगे। इस बार फुल टॉस गेंद थी, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन के सिवा दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ एक ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो रहे हैं। ओवर नंबर दो का खेल चल रहा है, चार गेंदें अभी तक खत्म हो चुकी है और टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 7 के आंकड़े पर। बल्लेबाजों को अभी गियर चेंज करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड गियर में कुछ होने वाला है नहीं, अभी फोर्थ गियर और टॉप गियर में आप चलिए तभी आपकी टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाएगी। इस बार फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला इस गेंद को और पीछे फील्डिंग खराब होते हुए, एफर्ट अच्छा था, रोकने का प्रयास किया था लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब, गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। पर बुझाया हुआ था लेकिन अपने टीम के लिए रन नहीं बचा पाए, 11 गेंदों में अभी सिर्फ सिर्फ 11 रन बन जाए। आखिरी गेंद, इस बार भी कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है इस इनिंग में, अभी तक टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है डबल डिजिट में, यानी कि 11 के आंकड़े पर। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अभी तक 6 गेंदे फेस किए अतुल ने और 6 रन बनाए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कृष्णा ने, उन्होंने भी 6 गेंदे फेस किए, उन्होंने भी कुछ 5 रन बनाए। ओवर नंबर 2 का खेल खत्म होता हुआ, अभी भी इस इनिंग में 12 गेंदे बची है, आप 12 में कम से कम 30 बना दीजिए मैच बन जाएगा, 12 में 30 यहाँ से पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आप कर कर दिखाएंगे, आपको भी यहाँ पर बाजीगर खेला जाएगा। लेकिन नया गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर आते हुए, सुशील बुरले नए गेंदबाज, ये अच्छी गेंद है, शायद खराब गेंद है लेकिन सोच अच्छी थी यहाँ पर गेंदबाज की। आप शॉर्ट पिच भी गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं और ये करके दिखाए, व्हाइट का इशारा था अंपायर की तरफ से, एक रन का इजाफा, एक रन के साथ टीम के रन संख्या जाकर पहुंची कि 12 के आंकड़े पर, यानी कि 12 के आंकड़े पर। युवराज सिंह का जर्सी नंबर 12 किसके बजेंगे यहाँ पर 12, एक और ये शायद अच्छी गेंद हो सकती है, शायद अंपायर इसमें कुछ इंटरेस्ट ले नहीं रहे, मतलब यानी कि लीगल डिलीवरी है, यह बेहतरीन गेंदबाजी है। वन बाउंस, यस वन बाउंस का इशारा था, वन बाउंस, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, सुशील अच्छी गेंदबाजी करे, सुशील संस्कारी गेंदबाजी यहां पर, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, आपके पास ताकत है तो मेरे पास ना ताकत है, ये गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के फरार, मिलेंगे रन। इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद,
लेकिन शॉट जो था 24 कैरेट गोल्ड वाला शॉट था, ये गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन निकले फरार। यहाँ पर खिलाड़ी की डिटेल हमारे पास पहुंचते हुए, एक्सपीरियंस है यहाँ पर बल्लेबाज के पास, ये पूरा नहीं चाह, भले इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे, भले ही पहले बिंदी गेंद आई लेकिन उसके बाद वसूल करना जानते हैं, शायद इनको निकनेम काका के नाम से पहचाने जाते हैं। काका यहाँ पर इज ऑन अ फायर, इस बार भी मल्ले के एज लगा था शॉर्ट थर्ड मैन में, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन के साथ टीम की रन संख्या आगे जाकर पहुंचेगी 23 के आंकड़े पर। तीसरा ओवर अभी तक चल रहा है, तीसरे ओवर की 3-4 गेंदे हो चुकी है अभी तक, आने वाली 2 गेंदे बची है, लेग 22। हमें लगा था कि बल्ले से लगकर गेंद गई है लेकिन अंपायर की नजर में यह गेंद बॉडी से लग के गई थी, और 1 रन आसानी के साथ टीम के खाते में जोड़ा जाएगा, रन संख्या जाकर पहुंचेगी 23 के आंकड़े पर। अभी भी 2 गेंदे बची है, 2 गेंदों में एक बड़ा हिट मैच में कमबैक करके दिला सकता है आपको, इसमें कोई दो राय है नहीं। ये गति से बीट कर रहे यहां पर जो कि कृष्णा है, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कृष्णा जब से आए प्रयास कर रहे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। दोस्तों एक जमाना ऐसा था कि कहा जाता था कि सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज का जमाना ऐसा है अगर आप सब्र करोगे तो सब्र का फल मीठा नहीं, फल दूसरा लेके जाएगा, आप देखते रह जाओगे। नसीब के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। आखिरी गेंद बची, एक बड़ा हिट सम्मानजनक स्कोर तक आपकी टीम को लेके जा सकती है, 24 रन स्कोर कार्ड पर है। ये लीजिए ये अच्छा स्ट्रोक है, पीछे फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ा गया यहां पर, काका बैक टू द डगआउट। काका इज गॉन, काका अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, काका के विकेट के बाद दूसरा कौन सा बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन दूसरे छोर पर यहाँ पर दिक्कतें पैदा होती हुई, कृष्णा स्ट्रगल कर रहे लेकिन कृष्णा को यहाँ पर फल नहीं मिल रहा है। गेंदबाज यहां पर महेश, टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 24 के आंकड़े पर, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन संख्या कुल मिलाकर 24। इस बार फुल टॉस गेंद है, कृष्णा दहाड़ना चाहते थे लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है, 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज बोल रहे हैं कि आप रहने दीजिए, लेकिन यहां पर ग्राउंड भी साथ देता हुआ, 2 रन मिलेंगे यहां पर, 2 के साथ स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचा 26 के आंकड़े पर। लास्ट ओवर चल रही है, अभी भी 5 गेंदे बची है, 5 गेंदों में कम से कम 15 से 16 रन आप ढूंढिए यहाँ पर, तभी आप फाइटिंग टोटल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर गेंदबाजी टीम का पकड़ा भारी है। वैसे भी इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद ट्रैवल होती है, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, बन के रह जाएंगे दर्शक, दर्शन बन के दीवाने, और ये लगा शानदार चौका। कृष्णा स्ट्रगल कर रहे थे, अब मौका मिला है, जड़ दिया चौका, इस बार फुल टॉस गेंद, फुल टोल वसूल किया जाएगा, गेंद थी स्लॉट में, पार्क किया पार्किंग लॉट में, बेहतरीन बल्लेबाजी। ऐसे भी गेंदे आने वाली थी, उनको भी पता था। ये लीजिए ये भी फुल टॉस गेंद है, गैप में गेंद जाती हुई, ये मैच में टर्न एंड ट्विस्ट आता हुआ, अंपायर का एक हाथ बाहर की तरफ निकला, यानी कि नो बॉल का इशारा, 9+4 और 5 रन यहां पर टीम के खाते में जोड़ दिए जाएंगे।
दूसरा धोखा नहीं मिलेगा, दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। चौका मार रहे यहां पर बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, फ्री हिट इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, पीछे फील्डर मौजूद है, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई और यहां पर गेंद को स्टॉप किया। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज बोल रहे कि आप आ जाओ, आपके बल्ले से रन आ रहे तो आप स्ट्राइक एंड पर जाइए। दो रन आसानी के साथ मिल जाएंगे, दो के साथ टीम की रन संख्या जाकर पहुंचेगी 43 के आंकड़े पर, जहां पर रनों पर अंकुश लगाया गया था। लेकिन महेश आए वैसे ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए, अपने बल्लेबाजी के जलवे बिखेर दिए यहां पर बल्लेबाज कृष्णा ने। ये पांचवी गेंद थी, ये खूबसूरत गेंद है, ये आपके पास ये गेंद है तो आपने कहां छुपा के रखी थी, ऐसे गेंदें डालना जरूरी है। यह अच्छी गेंद थी, अब स्टंप के बाहर आप गेंद रखी है, जहां पर आपने कृष्णा को मौका दिया है उधर उन्होंने चौका छक्का जड़ दिया, शरीर के ऊपर अच्छा खेल रहे हैं, यानी कि अब स्टंप के बाहर डाली आप उनको खामोश रख सकते हो, शायद मेरी बात सुनेंगे या फिर नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे महेश। ये लीजिए, ये भी फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला गेंद को, पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग हुई उनके द्वारा, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं, रनआउट का मौका है और शायद तीसरे रन का प्रयास है यहां पर, शायद अंपायर की तरफ रुख करना पड़ेगा। यस सर, रन कितने कंप्लीट हुए वो बताइए जरा, सिर्फ एक, वन प्लस विकेट, यानी कि नॉन स्ट्राइक एंड पर ही बल्लेबाज आउट था। नमस्कार, मी अभिनेत्री शुभांगी गायकवाड, विश्वजीत फाउंडेशन व उदय भैया शिंदे मित्र परिवार आयोजित भव्य फुल पिच क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे। या स्पर्धेच्या फायनल मॅच व पारितोषिक वितरण समारंभासाठी मी येत आहे 29 जानेवारी 2023 दुपारी 3 वाजता, स्थळ आहे महाकाली मैदान जीत रेस्टॉरंट समोर कवठे मंकाळ, मी येत आहे, तुम्हीही नक्की या, धन्यवाद।
वतीने ही टूर्नामेंट साध्य करण्यात आली. तसेच सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. आणि तसेच आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून हे लाईव्ह प्रेक्षेपण बघत आहात. टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून आमचे कॅमेरामॅन सुमित कदम, तसेच सौरभ होवाळे आणि तसेच अपडेटर वैभव धोंडे, आणि तसेच ऑनलाईन स्कोरर आमचे आहेत हेमंत साळे, आणि तसेच गुणलेखक संभाजी बाबर, आणि तसेच सूरज मेनगुतले हे देखील आहेत आमच्या कॉमेंटरी बॉक्समध्ये. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. आणि तसेच आमचे पंच मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त श्री संजय मल्होत्रा सर, गेल्या 35 वर्षाचा दांडगा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. तसेच विक्ता असोसिएशन मान्यता प्राप्त श्री अजय छत्रे सर, यांच्याकडे देखील गेल्या 5 वर्षाचा अनुभव. यावेळेस पहिला चेंडू ऑन साइडला, चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या पार, येतोय दर्जेदार ब्रँडेड क्वालिटीदार चौकार. Use 3-star shotkar. पहली दो गेंदों में 10 रन यहां पर बटोर चुके अनूप, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार भी रिवर्स खेला, गेंद गैप में जाती हुई, गेंद आसानी के साथ बाउंड्री लाइन को क्लियर करेगी. ये गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से 4 रनों के लिए फरार. यहां पर 14 रन जोड़ चुके हैं पर बल्लेबाज अनूप, रुकने का नाम नहीं ले रहे. इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, पीछे फील्डर मौजूद है. इस बार एक ही रन मिलेगा, एक रन के सिवा दूसरा कुछ मिलने वाला तो है नहीं. एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचे 15 के आंकड़े पर. 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है. पावर प्ले में किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है अनुभव अनूप दिखा रहे. और दूसरी तरफ बल्लेबाज थे सुशील, अभी उस स्ट्राइक एंड पर है. नीचे सुशील भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे. गेंद एज लेकर शॉर्ट टर्नमेंट में ट्रैवल होती हुई, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ. 1 के साथ टीम की रन संख्या जाकर पहुंचेगी 16 के आंकड़े पर. अभी भी इस ओवर में 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, आने वाले आखिरी गेंद का खेल बचा है. पावर प्ले की आखिरी गेंद बची है. गेंदबाज यहां पर कृष्णा महंगे साबित होते हुए, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अभी प्रेशर में उनके ऊपर प्रेशर रहेगा. प्रेशर में कोई बिखरता है तो कोई निखरता है. ये शायद हम पैर के ऊपर निगाह रहेंगी क्या ये. यस नो बॉल, नो प्लस. हाँ मैं, लेकिन खराब गेंदबाजी. पांच रन यहां पर टीम के खाते में जोड़े जाएंगे. 5 के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा अभी तक 21 के आंकड़े पर. रिव्यू मांगा गया नो बॉल के लिए. यस यस नो बॉल के लिए रिव्यू यहां पर किया जाएगा. हमारे जो थर्ड अंपायर है उनके तरफ रुख करेंगे.
नो प्लस नो प्लस फोर अर्थातच पाच धावा खर्च केला जातात गुणांच्या माध्यमातून। एकवीस धावा धाव फलकावरती फ्रीडचा चेंडू होता यावेळी देखील चांगला स्ट्रोक आहे दर्जेदार क्वालिटीदार ब्रँडेड चेंडू जातोय आर पार सीमारेषा पार चौकार। पंचवीस धावा धाव फल करते षटक क्रमांक एक चा खेळ संपलाय आणि विजय करताना की वीस धावांची आवश्यकता आहे ओव्हरवर चेंडू असते ते अठरा अठरा वीस समीकरण आहे। एक तर्फा मुकाबला आपण आतापर्यंत बघतोय स्ट्राईक एंड वरती सुशील तसेच अनुप चांगली फलंदाजी केली आहे चौकार षटकार चौकार सिंगल चौकार अठरा चेंडूमध्ये वीस धावांची आवश्यकता आहे। स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज सुशील यावेळेस चेंडू हवेमध्ये पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे सहज सोप्पा झेल टिपला जाईल सुशीलच्या खेळीवरती पूर्ण विराम दोन सुशील या संघामध्ये आहेत सुशील ऑन स्ट्राईक यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये जेल टिपला जात आहे कॉटन बॉल फलंदाज बाद दुसरी सफलता अतुल अर्थातच काकाच्या हाताला लागली आहे। नंतर दुसरा सुशील आला तो पण गेला आता त्याच्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाचे दिसून वाटचाल करतोय श्याम आणि तसेच अतुल अर्थातच काका यांच्याकडे एक संधी आहे विकेट हॅट्रिक साध्य करण्याची संधी आहे स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्याची संधी आहे स्वतःला साध्य करण्याची संधी आहे ऑन अ हॅट्रिक यावेळेस देखील जर कदाचित लेग बी फोर जर असता तर कदाचित हॅट्रिक साध्य झाली असती लेग बायच्या स्वरूपाने एक धाव धाव फलकावरती अर्जित केली जाईल एकने धाव फलक वाढेल आणि जाऊन पोहोचेल ते सव्वीस चाकड्यावरती पहिल्या षटकामध्ये पंचवीस धाव आल्या होत्या त्याच्यानंतर तीन चेंडू आले पण एकही धाव आली नव्हती आत्ता तिसऱ्या चेंडूवरती एक धाव आली आहे यावेळी देखील उडवण्याचा प्रयत्न होता बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाहीये आणि तसेच अतुल यांचा विचार केला तर पाठीमागील मॅचमध्ये आपली छाप सोडली होती तोच गोलंदाज सहा चेंडूंवरती सहा धावांची आवश्यकता असताना या गोलंदाजाने त्या धावा डिफेंड केल्या होत्या जर कदाचित ते पहिलं षटक पंचवीस धावांचा गेलं नसतं तर हा जो मुकाबला आहे काटे की टक्करवाला झाला असता याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही आहे आत्ता देखील संधी आहे तुमच्याकडे कमबॅक करण्याची
यावेळेस फुल टॉस चेंडू पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. यावेळेस झेल सुटला जातोय, सहज सोप्पा झेल धरतीला दान केला जातोय. आणि तसेच अतुल काका अर्थातच नाराज होणं लाजमी आहे, कारण की मॅच मध्ये संधी निर्माण करून दिली होती, कमबॅक करण्याचा मौका दिला होता, झेल टिपता आला नाही, झेल सुटला जातोय, जीवनदान भेटलं जातोय. अंतिम चेंडू यावेळी जे केलं लो फुल टॉस चेंडू होता, जे की दुसरं षडक होतं, निर्णायक षडक होतं. धावांवरती अंकुश लगावला जातोय. पहिल्या षटकामध्ये 25 धावा आल्या, त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र फक्त 3 धावा खर्च करून 2 विकेट आपल्या नावावरती अर्जित करून घेतल्यात. अजून 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, विजयाक आता 17 धावांची आवश्यकता. 12-17 समीकरण आहे, कशा प्रकारे चेस केल्या जातील 12-17 धावा. या सूरज तुम्ही नक्कीच डेफिनेटली बरोबर बोलले की पहिलं षटक हाताळणं गरजेचं होतं. जर अतुलने जर कदाचित पहिलं षटक हाताळलं असतं तर या मॅचमध्ये बनून राहण्याची संधी असती. अजून देखील संधी आहे, 12-17 समीकरण आहे, अजून गाडी सुटलेली नाही हातामधून. तुम्ही हात करून कंडक्टरला बोलू शकता, दादा गाडी थांबव, थांबेल गाडी, 12-17 समीकरण आहे. एक षटक निर्णायक असेल हे. यावेळी चेंडूला उडवलंय आणि चेंडूला पाठवलं जातंय आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धावा, जे की फक्त अतुल करू शकलाय. गजानन गोलंदाज होते, अतिशय खराब गोलंदाजी आहे. ओव्हर पिच चेंडू आपण बघितलं, याच्या पहिले देखील चांगली फलंदाजी झाली आहे. व्हेरिएशन करणं गरजेचं आहे. 12-17 समीकरण होतं, आता समीकरण येऊन पोचलंय ते 11 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असेल. गजानन पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. सतीश नाईक सर आपलं देखील आम्ही आभार होतो, थँक्यू सो मच आपण मैदान दरम्यान चेंडू दिल्याबद्दल. हृदय चंतकरणापासून आपले देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो, थँक्यू सो मच. आणि तसेच दुसऱ्या चेंडूवरती देखील चौकार येतोय. जी गोलंदाजी कृष्णा यांनी केली होती तशीच गोलंदाजी गजानन देखील करतात. अतुलला कुठल्या दुसऱ्या एंडनी साथ मिळत नाहीये, साथ मिळणं गरजेचं आहे. नॉकआउटचा मुकाबला आहे. यावेळी जे केलं पाडल सुप करण्याचा फटका होता, चेंडू जातोय आर पार सी मापार, येतोय दंजेदार चौकार. जे की अतुल काका यांनी करून दाखवलं होतं तसं, तसेच त्यांच्या संघामधील कुठलाच गोलंदाज हे करून दाखवू शकला नाही. विकेटचा पण होतोय. यावेळेस क्लीन बोल्ड, यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. की आवश्यकता आहे, जीत के लिए 3 रन बचे सिर्फ. इस बार गेंद को उड़ाया और भेज दिया सीधा तारा मंडल में, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए फरार. करोली टी, चला टॉस आडायचे. आजच्या दिवसातील फायनलचा मुकाबला आहे, अर्थातच क्वार्टर फायनलचा मुकाबला आहे.